हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मीनाक्षी नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर फोर अ थिंग ऑफ ब्यूटी सो आवर पोइट नेम इज़ जॉन कीड्स एंड इसमें इन्होंने क्या बताया ये इन्होंने एंगी म्योन के बारे में बताया एंगी म्योन का मतलब क्या होता है इनकी जो पोएम थी ना इन्होंने पूरे फोर वर्ड्स में अपनी पोएम को लिखा था ठीक है और इसका जो छोटा सा पार्ट था वो इन्होंने हमारी इस बुक में दे रखा है तो ये हमारा एंगीम्यून हो गया ये किस तरह की पोएम लिखते थे ये रोमांटिक पोएम लिखते थे मतलब नेचर के साथ नेचर के थ्रू लव कैसे एक्सप्रेस करना है इन सब चीज़ों के बारे में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था तो ऐसे इन्होंने एक पोएम लिखी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी सो स्टार्ट करते हैं नाउ कम टू द फर्स्ट पैरा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इट लवलीनेस इनक्रीज देखो हम क्या कहते हैं कि ये जो ब्यूटी है ना किसकी ब्यूटी नेचर की ब्यूटी ये जो नेचर की जो ब्यूटी है ये कभी भी ना कम नहीं होती इससे हमेशा हमें खुशी मिलती है और ये जो खुशी है ना ये और ज़्यादा बढ़ती रहती है अब नेचर की क्या क्या ब्यूटीज़ है नेचर की ब्यूटीज़ ब्यूटी हो गई माउंटेन हो गए रिवर्स हो गए अलग अलग ट्रीज़ हो गए तो बहुत सारी चीज़ें नेचर की होती है जब हम उसे देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है और ये जो जॉय है ये जो खुशी है ये दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है इट विल नेवर डाई पास इन टू देखो ये जो है ना इसका कभी एंड नहीं होगा नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसका कभी एंड नहीं हो सकता बट विल कीप बोर Quiet for us and द sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing तो इसमें क्या बोला गया है बूवर का मतलब क्या होता है अ शेडी प्लेस अंडर अ ट्री मतलब जब हम एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो एक छाया सी मिलती है ना हमें तो वो उसी छाया की बात करें कि जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें वहाँ पर एक अच्छी स्लिप अच्छी स्लिप मतलब अच्छी स्लिप से मतलब है कि एक रिलैक्सीशन फील होता है हमें हम अपने स्वीट ड्रीम्स को देख पाते हैं अच्छी हेल्थ हो होती है हमारी और हम एक आ, आ, अच्छी ब्रीदिंग ले पाते हैं मतलब वहाँ पे जब जाते हैं ना तो एक अलग ही रिलैक्सेशन सा फील होता है चारों तरफ शांति होती है हवाएं अच्छी अच्छी हवाएं चल रही होती है उसकी बात कर रहा है आधार। घर देयर फोर ऑन एवरी मोरो देखो यहाँ पे एवरी मोरो 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 यहाँ पर इन्होंने राइम्स बनाने के लिए यूज़ किया है लेकिन इसे हम क्या पढ़ेंगे टूमोरो देयर फोर ऑन एवरी टुमोरो आर वी रेडिंग आ फ्लावरी बैंक टू बाइंग अस टू द अर्थ देखो हम रोज सुबह क्या करते हैं रेडिंग मतलब एक माला आ फ्लावरी बैंक हम रोज सुबह एक फूलों की माला बनाते हैं और उसे अर्थ उसमें जितनी भी जो चीज़ें हैं उसको जोड़ते जाते हैं अर्थ के आ, आसपास हम क्या करते हैं फूलों की माला बनाते हैं अब देखो यहाँ पर तो इसका कुछ कनेक्शन ही नहीं है तो इसमें जो ऑथर है वो ये बोलता है कि जब भी हम रोज़ सुबह उठते हैं जो भी हमारी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स होते हैं हम क्या करते हैं उन सभी को आपस में इकट्ठा करके रखते हैं जो हमारी अच्छी अच्छी मेमोरीज होती है उसको हम क्या करते हैं एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं और उसे अपने मन में सोचते हैं देन हमें एक अलग ही मोटिवेशन आ जाती है तो यहाँ पर भी पॉइंट यही बात कर रहा है स्पाइट ऑफ डिसपेंस ऑफ द ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी गेस वो क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारी सेगलेस लाइफ है इसमें देखो कमी हो गई है इन हीूमन डेथ मतलब स्केरेसिक्की यहाँ पर ना अच्छे लोगों की कमी हो गई है ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेस्ट हम देखते हैं ना जिस रास्ते पर हम जाते हैं वो कैसा होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है अंधेरे से भरा होता है क्यों ऐसा पॉइंटर यहाँ पे क्यों बोल रहा है क्योंकि देखो हमारी जो लाइफ है हमारी लाइफ से जो सक्सेस तक का जो रास्ता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो उन प्रॉब्लम्स का जो पॉइकर है वो कह रहा है कि ये डार्कन वेव्स ये जो अंधेरे भरे रास्ते हैं ये हमारी लाइफ में आते रहते हैं बीच बीच में मेक फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम सेप ऑफ ब्यूटी मूव अवेदा पॉल देखो लेकिन इसमें पोइटर एक अच्छी बात बता रहा है कि हमारे नेचर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर हमें अच्छा फील होता है और हमारे अंदर एक एनर्जी आती है देखो आप कभी भी ये मान के चलो कि आप किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो और जब आप नेचर के पास जाते हो सन या मून रिवर के पास जाते हो पेड़ों के पास बैठते हो तो एक अलग ही एनर्जेटिक फीलिंग आती है हमारे अंदर एंड यंग स्प्राउंटिंग और शेडी बून बून मतलब क्या होता है ब्लेसिंग्स फ्रॉम शेप अब यहाँ पे बता रहे कि किन किन चीज़ों से हमें पता चलता है शेप हो गए डेफोडिल्स हो गए विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लीव एंड क्लियर रिल्स क्लियर रिल्स का मतलब क्या होता है ये जो रिवर्स होती है ना वहाँ पे That's फॉर अ A सेल्फ अ कूलिंग कवर मेक गेंस नहीं होगा यहाँ पे मतलब gains राइम के लिए यूज़ किया है यहाँ पर अगेंस्ट द हॉट सीजन हॉट सीज़न मतलब देखो यहाँ पर जब गर्मियों का टाइम आता है तो लोग क्या करते हैं कूलिंग कन्फर्ट मतलब अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कहाँ चले जाते हैं रिवर्स के पास चले जाते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच with a स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स अब देखो जब हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग सी रोज की आपने खुशबू देखी होगी अलग ही स्मेल वहाँ पे आती है एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन ऑफ द माइटी डेथ देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमें नेचर से ही एनर्जी नहीं मिलती हमें उन लोगों से भी एनर्जी मिलती है जो कि दुनिया में नहीं है जो लोग मर गए हैं जैसे हमारे सोल्जर्स हो गए जैसे हमारे लीडर्स हो गए महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती है कि भाई इन लोगों ने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया तो हमें भी कुछ करना चाहिए ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव हियर और रीड हमने बहुत सारी कहानियों के बारे में सुना है पढ़ा है इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है एंड एंगलेस फाउंटेन ऑफ ड्रिंक पोरिंग अन टू अस फ्राम द्रिंक अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि एक हमारे ऊपर पानी आता है ये पानी कहाँ से आता है ये हमें नेचर से मिलता है जो कि गॉड गिफ्टेड है जब बारिश होती है धीरे धीरे करके जब बारिश होती है तो ये हमें कहाँ से मिलती है ये जितनी भी जो नेचर से मिलती है ये हाँ एक गॉड गिफ्ट की तरह है और जब हम इसके पास जाते हैं तो हमें एक अलग ही रिलैक्सेशन फील होता है तो इस चैप्टर में पूरे में नेचर के बारे में ही बताया कि कैसे जो नेचर है उससे हमें एक एनर्जी मिलती है कैसे हम नेचर का जो यूज़ है पॉजिटिव वे में कर सकते हैं तो हमारी जो आज की पोएम है वो यहीं पे ख़त्म होती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए थैंक यू